Hello dear students, we are studying determinants chapter number 4 and this is lecture number 3. In this lecture we will solve the exercise 4.2 based on properties of determinants. So let us start today's lecture. जब हम किसी determinants को without expanding solve करेंगे तो हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी है. बट जब आपने इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं. तो मैं आपको 3 सिंपल स्टेप बताने जा रहा हूं. वो आपने जब इन प्रॉपर्टी को यूज करना है तो वो अपने माइंड में रखने हैं. तो चलिए देखते हैं कि वो 3 स्टेप क्या है. स्टेप नंबर 1, मेक ईच एलिमेंट इक्वल ऑफ ए रो और कॉलम. क्या बोल रहा है कि जब किसी डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उस डिटरमिनेंट्स के एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है. एंड सेकंड स्टेप आपने करना है, टेक कॉमन टू मेक ईच एलिमेंट इक्वल टू 1. और जो जो एलिमेंट किसी रो या कॉलम के इक्वल आ जाएंगे उनको फिर आपने कॉमन लेना है. और कॉमन लेने के बाद उस रो के जो एलिमेंट है वो 1 1 बन जाएंगे, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. तो फिर हमारे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 3 एलिमेंट रहेंगे. चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. ये देखिए, ये एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, एक्स प्लस ए ए ए ए, एक्स प्लस ए ए ए ए, एक्स प्लस ए. ये एक डिटरमिनेंट है जिसे हमने सॉल्व करना है. तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि आपने किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है. अब मैं यहाँ पे रो 1 ले लेता हूँ. तो हमने रो 1 के एलिमेंट्स को इक्वल बनाना है. अब हम रो 1 के एलिमेंट्स को देखते हैं कि पहला एलिमेंट है एक्स प्लस ए, दूसरा ए और तीसरा जो है ए है. अब हम इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ. आर वन में ऑपरेशन लगा सकता हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. वैसे आपके पास 6 प्रॉपर्टी हैं, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके आप जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं को इक्वल बना सकते हैं. लेकिन हमारे पास जो मेन जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है. प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें क्या कहती है कि आप किसी रो को ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किसी रो को किसी स्केल के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं. आपने ये इस प्रकार ये प्रॉपर्टी को यूज करके इसके जो एलिमेंट्स हैं किसी रो के उनको इक्वल बनाना. तो मैंने कौन सा स्टेप ले लिया कि मैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का ऑपरेशन लगा रहा हूँ. तो यहाँ पे लगाएं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए, फर्स्ट रो में आपने सेकंड रो और थर्ड रो ऐड किए. जब हम रो की बात कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड का मतलब कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स प्लस ए है, सेकेंड एलिमेंट है ए और थर्ड एलिमेंट है ए. सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो ए है, और जो इसमें सेकेंड रो का जो ये वाला एलिमेंट है वो इसमें ऐड होगा एक्स प्लस ए. सिमिलरली थर्ड भी ऐड होगा, और लास्ट वन में ए प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए. और इस प्रकार आपके पास ये पहला ऑपरेशन लग जाएगा. और यहाँ पे आपने कोई ऑपरेशन लगाया तो आप इसे एज इट लिखें. और ये देखें, ये आ गया एक्स प्लस ए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, देखिए रिजल्ट क्या बन गया, एक्स प्लस 3 ए. ध्यान से देखिए, एक्स ये बन गया ए प्लस ए प्लस ए 3 ए. सिमिलरली सेकंड में देखें, एक्स प्लस 3 ए, और थर्ड एलिमेंट भी एक्स प्लस 3 ए. और सेकेंड रो के जो एलिमेंट हैं वो एक्स प्लस ए ए एक्स प्लस ए ए ए एक्स प्लस ए. अब देखिए
ये जो फर्स्ट रो है, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो इक्वल बन गए, और हमने सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है, टेक कॉमन, और इसे हम कॉमन ले लेंगे। जब आप इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, वन वन वन, और यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स प्लस ए ए ए ए एक्स प्लस ए, और कॉमन आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया जी एक्स प्लस थ्री ए। दिस इज योर स्टेप नंबर वन। चलिए स्टेप नंबर सेकंड क्या है, स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है कि मेक टू एलिमेंट जीरो। जब आपने किसी एक रो के एलिमेंट वन बना लिए तो नेक्स्ट स्टेप है कि उन जो वन एलिमेंट बनाए हैं, तीन एलिमेंट यहाँ पे वन है, तो इसमें से दो को आपने जीरो बनाना है। अब यहाँ पे देखिए दो को हमने जीरो बनाना है, तो दो आप पहले दो को बना सकते हैं, लास्ट वाले दो को बना सकते हैं, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को आप जीरो बना सकते हैं, किसी को भी जीरो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीरो बना रहा हूँ लास्ट वाले दो। अब लास्ट वाले दो को जब मैं जीरो बनाना है तो मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आपको पता है ये है सी वन, ये है कॉलम नंबर टू, इसे सी टू से लिखेंगे, ये कॉलम नंबर थ्री सी थ्री से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सी टू और सी थ्री के जो एलिमेंट है फर्स्ट रो के, उसको जीरो बनाना है। तो क्या मैं यहाँ पे ये प्रश्न लगा सकता हूँ, सी टू माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, मतलब सी थ्री में मैंने सी वन माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कितना है वन, वन को वन में से माइनस करेंगे जीरो आएगा। तो ऑपरेशन हम जो वन में सी वन में आपने कोई ऑपरेशन लगाया तो उसके एलिमेंट आप एज इट लिख देंगे। अब आप सी टू माइनस सी वन कर रहे हैं तो सी टू में से सी वन करें तो वन में से वन चला गया जीरो, यहाँ पे ए इसमें से माइनस चला जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ ए में से ए चला जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और सेकेंड ऑपरेशन क्या है, सी थ्री माइनस सी वन, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स। ठीक है जी, दिस इज योर स्टेप नंबर टू। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री क्या होगा, जब आपने दो एलिमेंट्स को जब आपने जीरो बना लिया है, यहाँ पे दो एलिमेंट आपके जीरो आ गए, अब आपने एक्सपेंड करना थर्ड एलिमेंट को, यहाँ थर्ड एलिमेंट कौन है, यहाँ पे वन, तो वन को हमने एक्सपेंड करना है। तो आपको पीछे लेक्चर में बताया कि जब वन को एक्सपेंड करना है तो वन का रो आपको डिलीट करना है और वन का कॉलम डिलीट करना है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा एक्स जीरो जीरो एक्स। ठीक है, और वन को एक्सपेंड किया तो यहाँ वन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो हमने किसी भी डिटरमिनेंट्स को जब हमने सॉल्व करना तो हमने इन तीन स्टेप को अपने माइंड में रखना है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका जो पहला स्टेप है वो ऐसा ही होगा, कुछ एक क्वेश्चन में ये डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें ये तीनों स्टेप जो है वहाँ पे फिट होते होंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर वन है 4.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको एक डिटरमिनेंट दिया है एक्स वाई जेड ए बी सी, और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, और हमने इसे प्रूव करना है जीरो के इक्वल, और कहता प्रॉपर्टी यूज करिए डिटरमिनेंट्स की, और आपने एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग करना है। तो चलिए जी इसे हमने प्रूव करना है कि ये जीरो के इक्वल है। तो हमने छह प्रॉपर्टी की थी पिछले लेक्चर में, उन छह प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या प्रॉपर्टी थी कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी डिटरमिनेंट्स को तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी उसमें की थी कि किसी भी रो के एलिमेंट्स किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के बराबर हों, मतलब इक्वल हों, द एलिमेंट्स ऑफ टू रो आर टू कॉलम आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी जीरो। यहाँ पे देखिए, तो हमने जीरो ये, और दूसरा था कि किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स या कॉलम के सभी एलिमेंट्स
जीरो आ जाए तब भी वो डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगी। यहां पे देखिए, अब हमने इसे जीरो प्रूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी एक रो या कॉलम के जीरो बना दें, या किसी दो रो के या दो कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल कर दें। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं यो स्टेप क्या लगा सकता हूँ, देखिए ये है आपके पास C1 और ये है C2 और ये क्या है C3, ठीक है। मैं क्या क्या स्टेप लगा सकता हूँ, देखिए मैं अगर C1 में ऑपरेशन लगाता हूँ C1 प्लस C2, देखिए इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और देखिए x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी थर्ड के जो एलिमेंट है वो ऐसे ही है, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। और क्या ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा ऑपरेशन भी अप्लाई हो सकते हैं, ये जरूरी है कि एक ही ऑपरेशन वहां पे एप्लीकेबल होगा, एक से ज्यादा ऑपरेशन भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ C3 में मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ कि C3 माइनस C2, C3 में से C2 माइनस कर रहा हूँ मैं, ये देखिए C3 में से C2 कर दूँ तो A इसमें से माइनस होएगा, B माइनस हो जाएगा, C माइनस, तो मेरे पास क्या बचेगा X Y Z और फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के फिर एलिमेंट सेम आ जाते हैं। इसी प्रकार आप और भी कई ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो आपने प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर क्या ऑपरेशन लगाता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, हम इसे सॉल्व करने के प्रेशन लगाते हैं कि मैं C1 में प्रेशन लगा रहा हूँ C1 प्लस C2 करता हूँ, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो मेरे पास है जी C1 में C2 ऐड कर रहे हैं, तो C1 है जी X और इसमें C2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये आएगा जी X प्लस A, आगे आ जाएगा जी Y प्लस B और आएगा Z प्लस C। सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फिर हम इसे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया जी वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो दो रो हैं, दो कॉलम हैं, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, क्या इनके एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है क्या वो इक्वल हैं, इक्वल हैं। देखो अगर इक्वल हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इफ The corresponding elements of two row or two column are equal, then the value of that determinant will be zero. तो यहाँ पे zero prove हो गया, ठीक है। चलिए next चलते हैं, exercise 4.2 का question number 1 और 2 देखिए। question number 1 है x, y, z, a, b, c, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू जीरो, हमने इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज में से हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो प्रॉपर्टीज में क्या कह रही है, If the corresponding elements of two row or two column are equal, then the value of that determinant will be equal to zero. तो यहाँ पे देखिए इसमें तीन रो और तीन कॉलम है, तो अब हमने इसे जीरो प्रूव करने के लिए इसके दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इनको इक्वल हमने बनाना है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम जो है C1 और दिस इज C2 एंड दिस इज C3, क्या हम कोई ऑपरेशन लगा के क्या इस डिटरमिनेंट्स के कोई दो रो या कॉलम के एलिमेंट सेम कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, आप किसी भी रो को किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है और प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि आप किसी रो या कॉलम को ऐड कर सकते हैं, करना क्यों है, क्योंकि हमने इनके जो किसी दो रो के एलिमेंट्स हैं या कॉलम के दो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल बनाना है। यहाँ पे देखिए C1 और C2, क्या मैं C1 में ऑपरेशन लगा दूं C1 प्लस C2,
जब मैं सी वन में सी टू ऐड कर देता हूँ, और मुझे ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। तो कर दें जी, तो क्या बन गया, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, बाकी दो कॉलम है कोई ऑपरेशन नहीं लगाता हूँ। मेरे पास क्या आ गया जी, ए बी सी, और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आप देखिए कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर थर्ड जो है उनके एलिमेंट्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल होंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी जी, जीरो। आप एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप ऑपरेशन लगा सकते हैं सी थ्री में, सी थ्री में से आप सी टू को माइनस कर सकते हैं, करके देखें। देखिए देखें सी थ्री में सी टू को माइनस कर रहे हैं, तो सी वन में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो इसके एलिमेंट आप एज इट लिख दें। सिमिलरली सी टू में भी कोई ऑपरेशन लगाया उसके एलिमेंट भी आप एज इट लिख दें। अब सी थ्री में ऑपरेशन लगा रहे हैं सी थ्री माइनस सी टू, तो करें सी थ्री माइनस सी टू, सी थ्री में से सी टू के एलिमेंट माइनस करने हैं। यहाँ पे देखो ये ए माइनस चला गया, क्या बच गया एक्स, यहाँ पे वाई बच जाएगा, यहाँ पे जेड बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो जो कॉलम नंबर वन है और जो कॉलम नंबर थर्ड है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो आप और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं और इसकी वैल्यू जीरो जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए मैंने दो ऑपरेशन लगाए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, आंसर आपका वही सेम आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए ए माइनस बी और बी माइनस सी। आपने इसे प्रूव करना है जीरो। तो अब हमने इस डिटरमिनेंट को भी जीरो प्रूव करना है, इसको जीरो प्रूव करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, या तो इसके किसी दो रो के एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर इस किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ कि मैं सी वन में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ कि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, प्लस सी वन में सी टू को और सी थ्री को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या आ गया जी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया तो उसके एलिमेंट आप एज इट इज लिख देंगे। और ये आ गया सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है जी, चलिए अब देखिए क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ए प्लस का जी ए माइनस का, सी प्लस है सी माइनस बी प्लस बी माइनस, कितना आ गया जी, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया जीरो जीरो। यहाँ पे आ गया बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। तो क्या आ गया, एक जो पहला कॉलम है फर्स्ट कॉलम उसके सारे एलिमेंट क्या हो गया, जीरो। इसका आंसर क्या होगा जी, जीरो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हमने क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, और हमने शो करना है कि ये इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, वन 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 वी सी सी ए ए बी सी ए प्लस बी, ये आ गया बी सी प्लस ए, ये आ गया जी ए ए प्लस बी, यहाँ पे सॉरी ए है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो हमने जीरो प्रूव करना है।
जीरो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, दो ही मेथड है, दो प्रॉपर्टीज है। क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू रो आर कॉलम मस्ट बी इक्वल, और सेकंड है द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम मस्ट बी जीरो ऑल एलिमेंट्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान दें, ये जो थर्ड हमारे पास कॉलम है ठीक है, और इसमें है ये एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो एलिमेंट हैं, हर एक में दो एलिमेंट है एक, तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या प्रश्न लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जीरो प्रूव करना चाहता, या तो सारे एलिमेंट को जीरो बना लो। अब जीरो बनाने का मेथड यहाँ पे देखो, क्या मैं किसी को माइनस करके जीरो बना सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं जिसको आपस में माइनस करने पर आपको पूरे एलिमेंट जीरो बन जाए। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचती है कि हम इनके दो जो रो हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं इक्वल बना दें। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं ऑपरेशन, यहाँ पे देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ सी थ्री में, सी थ्री में मैं सी टू को ऐड करता हूँ ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी सी ए बी, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, वो उसके एलिमेंट मैंने एज लिख लिए। थर्ड कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सी टू को ऐड कर रहा हूँ, पर मैं ऐड करने से पहले ये जो ए जो है यहाँ पे ये बी प्लस सी है, यहाँ पे बी प्लस सी, इस बी प्लस सी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले ए को ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर, हमने प्रूव करना है ये डिटरमिनेंट्स को जीरो के इक्वल, और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट की यूज करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, वन 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 वी सी सी ए ए बी, ए इंटू बी प्लस सी, वी इंटू सी प्लस ए, और सी इंटू ए प्लस बी ठीक है जी। अब हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करने के लिए दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू रो आर टू कॉलम मस्ट बी इक्वल, और सेकंड है द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर कॉलम मस्ट बी जीरो। अब ये जो फर्स्ट वाला टॉप जीरो वाला है कि हमने सबको जीरो बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा रो या कॉलम नहीं है जिसे हम माइनस या प्लस करके जीरो बना सके। तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचती है कि हम क्या करेंगे, इसके किसी दो रो के या कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे। उसके लिए मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे सी थ्री में, सी थ्री प्लस सी टू, देखो कैसे। अब कई आपको लग रहा है कि मैंने कैसे इसको तुक्का लगा लिया, लेकिन ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए वन एज इट इज, ये आ गया जी वी सी सी ए बी, क्योंकि हमने सी वन और सी टू में कोई ऑपरेशन लगाया, सारे एलिमेंट्स वैसे आ गए। अब मैंने सी थ्री में सी टू को ऐड करना है, ऐड करने से पहले मैं जो सी थ्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा, जहाँ ब्रैकेट है ए बाहर ब्रैकेट गए, तो पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्या आ जाएगा जी ए बी प्लस ए सी। अब मैं सी टू को ऐड कर रहा हूँ, सी टू कितना बी सी दी जाए, इसके बी सी ऐड हो गया। सेकेंड देखिए वी सी प्लस बी ए और सी ए, थर्ड आ गया जी सी ए सी बी प्लस ए बी ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड कॉलम है ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, तो क्या कॉमन आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने जो फर्स्ट स्टेप मैंने कहा आपको फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या कि हमने कोई एलिमेंट जो है किसी रो या कॉलम के उनको इक्वल बना देना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल बना दिया है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स यूज करके मैंने इसके कॉलम नंबर थर्ड के सारे एलिमेंट्स मैंने इक्वल कर लिए, उन इक्वल एलिमेंट्स को मैं अब क्या कर दिए, मैंने मैंने
कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, वन वन वन, और यहाँ पे बाकी एलिमेंट गया वन वन, ये बन गया बी सी सी ए ए बी। और अब देखें यहाँ पे कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर थ्री दोनों के एलिमेंट्स जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है वो सेम है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जीरो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 13। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, ये जो डिटरमिनेंट गिवन है उसका आपने एवेल्यूएशन निकालना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो चलिए पहले हम डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं, वन 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 ए बी सी बी सी सी ए और ए बी। ठीक है जी, तो जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि जब आपने डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है तो जब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हमने तीन स्टेप को अपने माइंड में रखना है। पहला स्टेप है कि हमने किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स वन बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये यहाँ पे ऑलरेडी डन है, इसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो सारे वन वन है। सेकेंड स्टेप हमें क्या कहता था कि आपने इन एलिमेंट्स में से दो को जीरो बनाना है, तो आप इनमें से तीन में से किन्हीं दो को आप जीरो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो लास्ट वाले दो हैं इनको जीरो बना रहा हूँ। अगर मुझे इन दोनों को जीरो बनाना है तो मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि ये कौन सा है आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री, और इसे जीरो बनाना है तो मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आर टू में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आर टू माइनस आर वन, और फिर मुझे इसे इसे भी वन बनाना है। तो यहाँ पे ये आर थ्री का एलिमेंट है तो आर थ्री में से फिर से मैं आर वन माइनस कर देता हूँ तो उसे जीरो बन जाएगा, क्योंकि आर वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन है, वन में से वन गया जीरो, वन में से वन गया जीरो, तो दो एलिमेंट आपके जीरो बन जाएगी। इसी प्रकार जो कॉरस्पॉन्डिंग बाकी एलिमेंट हैं उसे भी आपने वैसे ही माइनस करना है। तो चलिए फिर लगाएं यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं। आपने फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो उसे आप एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ये वाला हमने ऑपरेशन लगाया आर टू, आर टू माइनस आर वन, तो वन में से वन गया जीरो, यहाँ पे क्या आ गया वी माइनस ए, यहाँ पे आ गया आपके पास सी माइनस सी ए माइनस बी सी, और फिर आर थ्री माइनस आर वन लगा रहे हैं यहाँ पे अगेन जीरो, यहाँ पे देखिए सी माइनस ए और यहाँ पे देखिए ए बी माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट जीरो आ गए। ठीक है, अब हमने एक्सपेंड करना है, एक उसका एक एलिमेंट बच गया वन, उसे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने से पहले चलो पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक्सपेंड हो गया, ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास आ गया जी वी माइनस ए सी ए माइनस बी सी सी माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या इनमें से कुछ कॉमन है, देखिए सॉल्व कर सकते हैं हम इससे पहले, बी माइनस ए और ये यहाँ पे C कॉमन है जी, तो मेरे पास आएगा जी A माइनस बी, यहाँ पे देखिए C माइनस है सेकेंड रो में और यहाँ से V कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ गया जी A माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो हमारे पास ये मेरे पास आ गया A, यहाँ पे A माइनस सी था, यहाँ पे a माइनस सी सॉरी ओके। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे क्या है b माइनस ए, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो क्या मैं यहाँ से कॉमन a माइनस बी ले सकता हूँ जी, तो यहाँ पे b माइनस ए है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा c। सेकेंड रो में देखिए यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पे a माइनस सी है तो मैं यहाँ पे c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे c माइनस ए है तो वन आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस सी था तो क्या मैं इसे माइनस बी ले सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लें, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ गया जी a माइनस बी इंटू सी माइनस ए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आएगा जी b और ये कितना आ गया माइनस सी, और आप देखिए फाइनल
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और हमने यही प्रूव करना था। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है। चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स एंड एक्स प्लस फोर, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि ये है 5x प्लस 4 इज इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। और यूज करना है हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक्सपैंड नहीं करना, विदाउट एक्सपैंडिंग करना है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे हमारे पास जो पहला स्टेप क्या है कि हमने इसके जो एक रो या कॉलम के एलिमेंट जो है उनको इक्वल करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करते हैं कि हम किसी रो को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या किसी रो या कॉलम को ऐड करके क्या कोई एलिमेंट्स किसी रो के इक्वल आते हैं। एक आइडिया और भी आपको यहाँ से मिल सकता है। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं जो हमें आंसर होता है, उन आंसर में भी हमारा जो क्वेश्चन का स्टेप छुपा होता है। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 4 है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या यहाँ पे 5x प्लस 4 बन सकता है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी ऑपरेशन लगाएं, चाहे कॉलम में लगाएं चाहे रो में लगाएं। तो मैं यहाँ पे रो पे लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आर वन में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आप भी लगा के देखें, देखो 2x प्लस 2x 4x, 4x और 1x 5x प्लस 4, देखो ये हमारे पास 5x प्लस 4 है। तो यहाँ से हमें इंडिकेट हो गया कि हम रो को, सभी रो को ऐड कर देते हैं। तो मैंने वही यहाँ पे किया है, मैं सभी रो को ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। सिमिलरली इसमें भी ऐसे आएगा, तो मैं डायरेक्ट 5x प्लस 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। और आपने सेकेंड रो में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो उसके एलिमेंट एज इट इज, थर्ड में भी आपने कोई आपने एप्लीकेशन कोई क्या बोलते हैं ये ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो ये भी एज इट इज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये बन गया जी 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 एंड 2x, x प्लस 4, 2x, यहाँ पे 2x, 2x, x प्लस 4, और ये आपके पास डिटरमिनेंट। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, नहीं अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास जो कॉमन आया है उसे हम कॉमन ले लेंगे, इक्वल आ गए सारे तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लें 5x प्लस 4, मेरे पास क्या बन जाएगा, वन वन वन, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, दिस इज टू एक्स, दिस इज टू एक्स, दिस इज एक्स प्लस फोर। अब आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट चुका है। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने जब वन वन आ गया तो हमने क्या करना है, इन तीन एलिमेंट में से किन्हीं दो को जीरो करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले को रहने देंगे, लास्ट वाले दो को जीरो करेंगे। अब ये क्योंकि कॉलम वाइज है तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं सी टू, सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री में ऑपरेशन लगा सकते हैं सी थ्री माइनस सी वन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, और मैंने ऑपरेशन लगाया सी टू और सी थ्री में, तो वन में कोई ऑपरेशन लगाया तो उसके एलिमेंट आप एज इट लिख दे। अब आपने सी टू में से सी वन माइनस किया तो यहाँ करे वन में से वन क्या जी जीरो, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ पे 2x है, 2x को जब x प्लस 4 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 2x है, ये 2x है, दोनों को माइनस करेंगे जीरो आएगा। अब C3 में से C1 कम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स, और ये आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए 5x प्लस 4, और अब हमारे पास क्या बच गया, हमने ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो अब आपके पास एक एलिमेंट बचा उस एलिमेंट को एक्सपेंड करना, तो मैंने वन को एक्सपेंड करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा
फोर माइनस एक्स जीरो, जीरो फोर माइनस एक्स 2 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 5x प्लस 4, और ये बन गई 2/2 डिटर्मिनेंट। इसे सॉल्व कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस जीरो तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट, यही है आपके पास और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं कि हमने देखा है कि जब हमने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज किया तो हमने तीन स्टेप को, जो बेसिक स्टेप उनको फॉलो किया। पहला क्या है कि हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को इक्वल करना है, फिर वन वन बनाना है। जब वन वन बन गया आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि फिर अगला काम क्या है, हमने दो एलिमेंट्स को जीरो बना, उनको सिंपली माइनस करना है। अगर वहां पे कोई कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद वन जो एक एलिमेंट बचे उसे एक्सपेंड करेंगे और आपके पास जो आंसर आ जाएगा द अवेल्युएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।